नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। और आज T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है भारत और इंग्लैंड के बीच। सभी की निगाहें इस सेमीफाइनल मैच पर लगी हुई है। रात 8 बजे भारत और इंग्लैंड के बीच ये दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है वेस्ट इंडीज के गुयाना में। हालांकि बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मैच के लिए 250 मिनट रिजर्व टाइम रखा गया है। अगर बारिश होती है और मैच रद्द होता है तो भारत सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान को हराकर साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और इंतजार कर रही है। साउथ अफ्रीका को अब इंतजार है उस टीम का जो उसके साथ फाइनल में भिड़ेगी। आज की रात मैच पर साउथ अफ्रीका टीम की भी नजर होगी। मार्कम के दिमाग में चल रहा होगा कि किस टीम के खिलाफ उसे रणनीति तैयार करनी है, भारत या फिर इंग्लैंड। उधर भारतीय कप्तान टीम मैनेजमेंट के साथ बैठकर आज के मैच की स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे होंगे। हर एक पिछले आंकड़े देख रहा होगा और तय कर रहा होगा कि करना क्या है। पिछले दिनों वर्ल्ड कप में दोनों के बीच खेले गए मैच के आंकड़े क्या है ये बताएंगे आपको। साथ ही सीधे आपको लाइव लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि आज के मैच को लेकर फैंस किस कदर एक्साइटेड बने हुए हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ट्रॉफी का इंतजार होगा खत्म, 2007 की जीत फिर करेंगे रिपीट। अंग्रेज सावधान, अब हम वसूलेंगे लगान। पिछले सेमीफाइनल का मिलेगा करारा जवाब। जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हिसाब चुकता करने के लिए हम रेडी हैं। अंग्रेजों से एक कदम आगे निकलने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब इंग्लैंड कितनी भी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी, लेकिन हम उन्हें ऐसे धराशायी करेंगे कि ना उनके बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकलेंगे और ना ही गेंदबाजों की रफ्तार में धार होगी। रोहित, सूर्या, कोहली, पंत सभी इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड आएगा और मुंह की खाकर जाएगा। बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप सभी गेंदबाज इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज पिच पर आएंगे और गेंद को समझ ही नहीं पाएंगे। हम बदला लेंगे पिछले सेमीफाइनल का, याद दिलाएंगे कि वो दिन कुछ और था और आज का दिन कुछ और है। अब तक भले ही T20 विश्व कप में आंकड़ों को लेकर इंग्लैंड हमारे साथ बराबरी में खड़ा है, लेकिन इस बार वो बराबरी में नहीं बल्कि खड़े होने लायक भी नहीं रहेगा। 2007 की तरह छक्के लगेंगे और जीत मिलेगी। विश्व कप में दोनों के बीच खेले गए आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले गए हैं। भारत ने 2 मैच में जीत दर्ज की तो वही इंग्लैंड को भी 2 मैच में जीत मिली। हालांकि पिछले सेमीफाइनल में अंग्रेजों ने भारत को मात दी थी, अब बदला लेने का मौका मिला है। 2022 का बदला 2024 में लेने का। 27 जून को ऐसा छकाएंगे कि अंग्रेजों को इंग्लैंड उल्टे पांव लौटना पड़ेगा, वो भी लगान चुकाकर। चलिए बताते हैं कि विश्व कप में कब कब भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हुई और जब सामने हुई तो कौन सिकंदर बना। साल 2007, जगह डरबन, मैच T20 विश्व कप। ये पहला T20 विश्व कप था और भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ। भारत ने इस मैच को 18 रनों से जीता। ये वही मैच था जिसमें छक्कों की बारिश हुई थी। युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे और मैच में भारत को जीत मिली। फिर आया साल 2009 का, मुकाबला था विश्व कप का, भारत और इंग्लैंड का सामना हुआ। मैदान था लॉर्ड्स का, ये अंग्रेजों का घरेलू मैदान था और उन्हें उसका फायदा मिला। इंग्लैंड की टीम इस मैच में 3 रनों से जीत गई। 2009 तक दोनों टीमें विश्व कप में बराबरी पर चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हराकर बदला ले लिया था। फिर साल आया 2012, जब T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का सामना हुआ। इस साल श्रीलंका को विश्व कप की मेजबानी मिली। कोलंबो में खेले गए मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 90 रनों से हरा दिया। हालांकि इस साल विश्व कप भारत नहीं जीत पाया, ट्रॉफी उठाने का इंतजार और बढ़ गया। फिर दोनों का मुकाबला आखिरी बार साल 2022 में हुआ। इस बार मैदान था एडिलेड का। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी, लेकिन भारत को इस मुकाबले में 10 विकेट से हार मिली। भारत ने 2022 के सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए
168 रन बनाए। इस मैच में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक जमाया, लेकिन दोनों की पारी बहुत धीमी थी और भारत हार गया। इंग्लैंड की तरफ से जोश बटलर और एलेक्स हिल्स ने तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई, लेकिन इस बार टीम अलग है। टीम में बुमराह है, कुलदीप है, जो इंग्लैंड को टिकने तो नहीं देंगे। भारत बस इंतजार कर रहा है 27 जून का, जब अंग्रेजों के पिछले सेमीफाइनल का बदला लेकर फाइनल का टिकट कटवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो भारतीय टीम का इस वर्ल्ड कप में सफर अब तक कैसा रहा है, किस टीम को हराकर कैसे आगे बढ़ती रही टीम इंडिया, उन आंकड़ों को जान लेते हैं। ये लीग मैच के रिजल्ट हैं कि जो आंकड़े हैं हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला मैच इस T22 2024 वर्ल्ड कप के सफर में पहला मैच हुआ था टीम इंडिया का आयरलैंड के खिलाफ, जिसे टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत लिया था अपना पहला ही मुकाबला। और दूसरा मुकाबला किसके साथ हुआ था, आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सुपर 8 में भारत का शानदार प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ हमने बताया आपको कि 8 विकेट से इसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। दूसरा मैच पाकिस्तान को, अपने चिर प्रतिद्वंदी को 6 रनों से हराकर दूसरा मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किया था। और तीसरा मैच खेला था अमेरिका के खिलाफ, जिसमें 7 विकेट से टीम इंडिया को जीत मिली थी। चौथा मुकाबला हुआ था कनाडा के खिलाफ, जिसमें बारिश की वजह से यह मैच रद्द हो गया था। चौथा मुकाबला था कनाडा के खिलाफ और बारिश के चलते यह मैच भी रद्द हो गया था। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कहर बरपाया है। तो भारत का सुपर 8 में प्रदर्शन, हर मुकाबला किस तरह से टीम इंडिया जीती। चौथे मैच में बारिश के चलते टीम इंडिया को जीत मिली थी, वो मैच था कनाडा के खिलाफ। बांग्लादेश को 50 रन से सुपर 8 में भारत ने हराया था। तो ये स्लाइड है, तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन से टीम इंडिया को जीत मिली थी। तो ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं लीग मैच के रिजल्ट, सुपर 8 में प्रदर्शन। तो पहला मैच अफगानिस्तान पर 47 रन से जीत मिली थी। दूसरे मुकाबले में सुपर 8 में बांग्लादेश को 50 रन से हराया था। ये सुपर मुकाबला, सुपर 8 का मुकाबला हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे मैच में कंगारू के खिलाफ 24 रन से टीम इंडिया को जीत मिली थी। और अब आगे बढ़ते हैं, तो आज का जो मुकाबला है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि गुयाना में 95% बारिश होने का अनुमान लगाया गया है, बारिश मैच को रद्द कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सीधा भारत फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि अब तक जो भारत है वो पॉइंट टेबल में आगे सबसे आगे है। और यही रूल कहता है कि जिससे सबसे ऊपर होता है उसे सीधे एंट्री मिलती है। हालांकि इसमें सुपर ओवर कराने की भी कोशिश होगी, लेकिन अगर उसमें भी साथ नहीं है तो सीधा भारत की एंट्री फाइनल में होगी। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस गेंदबाज ने कहर दिखाया T20 2024 वर्ल्ड कप में। कुलदीप यादव ने 3 मैच में 7 विकेट अपने नाम किए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उत्साह दर्शकों में बहुत ज्यादा है। किस तरह के एक्साइटमेंट है, क्या कहना है लोगों का इस मैच को लेकर। वासु आपको दिखाई दे रहे होंगे, भोपाल से जुड़े हुए हैं। उमेश मौर्य हैं बिलासपुर से, और मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे इंदौर से जुड़े हुए हैं। पहले वासु उमेश आपका रुख करूंगी, क्योंकि आपके पीछे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। जरा बात कीजिए उनसे, किस तरह के एक्साइटमेंट है आज के मैच को लेकर। बिल्कुल, देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले तो ये उत्साह देख लीजिए, इंडिया की जीत के लिए अभी से जो है ये लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ आगे आज मैच को लेकर इनकी तैयारी है, किस तरीके की तैयारी, क्या लग रहा है मैच को लेकर आप लोगों को? निश्चित रूप से मैं आज के मैच के लिए बहुत उत्साही हूँ, क्योंकि बहुत सालों बाद हम इस मुकाम में पहुंचे कि आज अंग्रेज को हम हराएंगे। 2022 में हम हारे थे, आज निश्चित रूप से हम जीतेंगे। हमारी टीम बहुत सशक्त है, मजबूत है, हम हर फील्ड में मजबूत हैं, चाहे बॉलिंग पे ले लो, बैटिंग पे ले लो या फील्डिंग पे ले लो। जी, इंग्लैंड भी बहुत मजबूती के साथ आज सेमीफाइनल में पहुंची, उसको किस तरीके से देखते हैं, किसके ऊपर उम्मीद है कि किसका बल्ला चलेगा? विराट कोहली का राया चलेगा जी। और रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और बॉलर भी है बहुत लोग,
जैसे अपना बुमराह हो गया। बिल्कुल, आप बताइए कितना उत्साह है, आप लगातार मैच देखते रहे हैं, कई बार आपको देखा है उत्साहित होते हुए भी। जी आज एक बहुत बड़ा कड़ा मुकाबला होने जा रहा है इंडिया और इंग्लैंड के लेकर। 2022 का बदला इस बार हम बदला लेंगे। हमारे भारतीय टीम में सभी खिलाड़ी अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं। बॉलिंग को देखा जाए तो हर्षदीप है, बुमराह है और कुलदीप यादव है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम फाइनल में जगह बनाएंगे। निश्चित रूप से कोहली को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि उनका बल्ला खामोश है, क्या वो खामोशी टूटेगी आज इस मैच में? उनका बल्ला लगातार चलेगा और गुयाना जो है बैटिंग पीछे हमेशा बल्लेबाजों को फायदा मिला है। पांच में से तीन मैच बैटिंग टीम को ही जीत मिली है और 10 पारियां खेली गई, 10 पारियों में 3 बार 150 का आंकड़ा पार हुआ है मैच में। क्रिकेट प्रेमी एक युवती भी है हमारे साथ, किस तरीके से आप मैच को देखती हैं, आज के मैच को लेकर क्या कहेंगे? बहुत एक्साइटेड है आज के मैच के लिए, इंडिया ही जीतेगी। आप बताइए, आप खेलते हैं क्रिकेट? खेलते हैं जी। कितने साल से खेल रहे हैं? 5-6 साल से। क्या लग रहा है आज का मैच कैसे देखते हैं आप और क्या लग रहा है कौन चलेगा? हमारे इंडिया ही जीतेगा। ठीक है उमेश, आपके पास लौटेंगे जाहिर तौर पर, चाहे बिलासपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, हर तरफ ही जो है एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है, क्योंकि हो ना हो क्यों ना हो ये एक्साइटमेंट, क्योंकि सेमीफाइनल का ये मुकाबला है और इंग्लैंड के खिलाफ है। मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, आपके पीछे तो कुछ ज्यादा ही खास तैयारी नजर आ रही है, बैंड दिखाई दे रहा है मुझे, एक तरह से गिटार है साथ में। बिल्कुल, और ये क्रिकेट प्रेमियों का शहर है इंदौर और मेरे साथ में एक बैंड है और ये क्रिकेट को बहुत पसंद भी करते हैं। और हालांकि आज भारत और इंग्लैंड के बीच मैच है तो लगान मूवी भी याद आ रही है। कपिल भैया, लगातार अक्सर हम आपको ग्राउंड में देखते हैं और जब भी मैच होता है तो मौका आप नहीं छोड़ते हैं, कैसी तैयारियां आज आपके पूरे बैंड की और इंदौर कैसे सेलिब्रेट कर रहा आज का दिन? देखिए, आपने सबसे पहले शुरुआत करी क्रिकेट प्रेमी से, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कपिल 1983 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही पड़ा, मैं उसी सन में पैदा हुआ था और भारत वर्ल्ड कप जीता था और कपिल देव का बड़ा नाम था तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम कपिल रख दिया, तो खून में ही क्रिकेट है और निराशा भी है। 2013 के बाद से हम कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीत नहीं पाए, हम लगातार फाइनल हारते जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हारे, T20 का फाइनल हारे, 1 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, तो इस बार मेरी भगवान से प्रार्थना है, हमारे दोनों और ज्योतिर्लिंग है, महाकाल बाबा हैं एक तरफ ओंकार बाबा हैं, उनसे निवेदन है कि इस बार भारत को जिता दें, हमें निराश ना करें क्रिकेट प्रेमियों को। और इस बार बदला लेने का मौका भी है, 2022 में इसी टीम ने हमें सेमीफाइनल में हराया था और बहुत बुरा हराया था, 10 विकेट से हराया था, तो इस बार मैं चाहता हूं कि इस बार लगान का वो जो गाना है जो AR रहमान ने आमिर खान के लिए बनाया था उसको आज सार्थकता मिल जाए इंडिया की जीत के साथ। बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ हाँ बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना रुक जावे, चले चलो, हर टूट गई जो उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना रुक जावे, चले चलो। आज विराट कोहली को भी रन बनाना होंगे अगर जीतना है तो, और मुट्ठी पूरी बंद करके मैच जीतना होगा। और मैं चाहता हूं कि आज जिस बुरी तरीके से हमें इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया था, इंडिया भी 10 विकेट से हराया हमें। एनर्जी वाला सॉन्ग हो जाए, डी माइनर के, चक दे इंडिया, 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 कुछ करिए बज बज बड़ा बोले, कुछ करिए कोई तो अब जिद फड़िए, डूब तरिएगा मरिए, कोई तो चल जिद फड़िए,
डूब तरिए या मरिए है चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया आज पूरे स्टेडियम में होगा। वाकई मिथिलेश, हर कोई बस इसी जोश के साथ इस मैच के होने का इंतजार कर रहा है और ये भी प्रार्थना कर रहा है कि मौसम इस मैच में खलल ना डाले। वासु का भी रुख कर लेते हैं, भोपाल में वासु हैं। वासु, आप बताएं कि वहां पर किस तरह का माहौल है आज के इस मुकाबले को लेकर? बहुत बेसब्री से इंतजार है इस मैच का और फैंस चाहते हैं कि ये पूरा मैच हो, पानी का खलल ना पड़े इस पूरे मैच में, क्योंकि फैंस को पूरा भरोसा है कि जो पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था उसका बदला आज चुका लिया जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया से पहले हमने सुपर 8 के मुकाबले में बदला चुकाया है। हमारे पास क्रिकेट फैंस भी मौजूद हैं, आज के मैच को कैसे देखते हैं, कौन सी साइड नजर ज्यादा मजबूत आ रही है आपको और पानी का इम्पैक्ट कितना खलल डाल सकता है? देखिए, पानी के अगर खलल पे बात करें तो 70% चांसेस हैं कि पानी गिरेगा आज, तो हमारे लिए फिर भी प्लस पॉइंट है कि हम रिजर्व डे का कोई ऐसा मौका नहीं और हम सीधे फाइनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और रही बात इंडिया की इस बार की परफॉर्मेंस की, तो बहुत ही बढ़िया खेला, हम एक भी मैच नहीं आ रहे हैं। हम अगर आज एकदम टॉप पे हैं, रन रेट पे भी सबसे टॉप पे हैं, तो हम आसानी से इंग्लैंड को हरा के फाइनल खेलेंगे, ये तो इस बार का क्लियर है। और इस बार हमारे सारे खिलाड़ी फॉर्म पे हैं, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, और खुशी की बात है कि रोहित शर्मा भी फॉर्म पे है, बस कोहली की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है आज कोहली सारी उम्मीदें पार करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, विराट कोहली अभी तक बल्ला नहीं बोला इस पूरे टूर्नामेंट में, अब उम्मीद है कि आज का मैच बड़ा मैच, बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी खेलेगा। विराट कोहली से काफी उम्मीद है, पिछले कई मुकाबले से वो रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आज सारे फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विराट कोहली के बल्ले से रन निकलेगा। रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में वापस आ गए हैं, पिछले मैच में 92 रनों की पारी खेली थी, शतक से चूक गए थे। आगे यशस्वी जायसवाल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, बैटिंग लाइनअप शानदार है भारत का, तो भारत ये मैच जीतेगा और फाइनल में पहुंचे। बहुत सारी उम्मीद है, ना सिर्फ बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं, तीन तीन जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी इस समय, रही बात कोहली भी अपने इस बार का कहते हैं पूरे उम्मीद है कि अच्छा खेल खेलेंगे वो और अच्छा रन भी बनाएंगे वो, और आने वाले टाइम में यानी अपने जडेजा भी हैं अच्छे फॉर्म में है वो भी, और रोहित शर्मा जी हैं जो भी बढ़िया। देखिए, आप समझ सकती हैं अपर्णा की जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत बैलेंस टीम नजर आ रही है। अगर आप ऊपर से नीचे तक, पिछली बार जो फाइनल में ही हार मिली थी उसका बदला लेने का भी ये वक्त है एक तरीके से। मिथिलेश, मैं आपके पास आऊंगी कुछ और म्यूजिकल परफॉर्मेंस के, लेकिन एक बार फिर वापस बिलासपुर चलती हूँ मैं। उमेश, क्या आपके पास कोई और फैन भी है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेरे हमारे साथ कुछ और है प्लेयर, आप बताइए किस तरीके से आप इस मैच को एंजॉय करने वाले हैं और क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है इस बार मैच और बहुत उम्मीद है इस बार जीतने की। कुछ अन्य प्लेयर भी हमारे साथ हैं, कौन चलेगा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओपनिंग पार्टनरशिप से पारी और आगे जा सकती है, यही उम्मीद है, इंडिया जीतेगी जी। अब आप बताइए बेटा, आपको कौन सबसे अच्छा प्लेयर लगता है इंडिया का? मेरे को तो विराट कोहली लगता है, इंडिया को आज रिवेंज लेना है, 10 विकेट से हराना है इंग्लैंड को, इंडिया ही जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। देखिए अमरनाथ जी कितना उत्साह है, बिल्कुल बच्चे जो है ये असल फैंस होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के। मिथिलेश, मैं आपके पास आती हूँ, जल्दी से एक लास्ट सॉन्ग हो जाए। इस वक्त मेरे साथ जी जी बिल्कुल बिल्कुल आखिरी सॉन्ग हो जाए, बरसात भी होने के बड़ा अनुमान है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत के आधे जो प्रशंसक है वो चाह रहे हैं कि पानी गिर जाए और हम सीधे फाइनल में पहुंच जाएं, लेकिन सच्चा प्रशंसक है मेरे जैसा वो ये चाहता है कि बुरी तरह इंग्लैंड को हरा के हम फाइनल में जाए ताकि हमें एक मोमेंटम मिले। लेकिन जो बरसात प्रेमियों के लिए कुछ चार पंक्तियां गा देता हूं ताकि वो भी खुश हो जाए। अरे घन घन गिर गिर आई बदरा, घन घन घोर कार जाए बदरा, ढमक ढमक गूंजे बदरग डंके, चमक चमक देखो बिजुरिया चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा,
काले मेघा काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। जितने भी प्रशंसक है वो यही गा रहे होंगे कि काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, मेघा छाए बहुत अच्छा आए, घिर घिर आए। फैंस के मन की बातें बारिश हो जाएगी, सीधा भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। मिथिलेश, उमेश और वासु, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और फैंस नजर टिकाए बैठे हुए आज के मुकाबले पर, मुकाबला होगा और टीम फाइनल में पहुंचे और फाइनल में बदला ले पिछली हार का। तो साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है, हमने आपको बताया। सेमीफाइनल में उसने अफगानिस्तान को हराया, अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को महज 57 रनों का आसान सा टारगेट दिया था। साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9वें ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर मैच को अपने नाम कर लिया और सीधा जगह बना दी फाइनल। पिछली बार अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर इतिहास रचा था। और यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।